कर्ज के संकट में फंसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस समूह IL&FS के जुड़े मामलों की जांच के सिलसिले में पहली गिरफ्तारी हुई है। SFIO ने कंपनी के पूर्व चेयरमैन हरिशंकरन को मुंबई से गिरफ्तार किया है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप में शंकरन को गिरफ्तार किया। मुंबई की एक विशेष अदालत ने हरिशंकरन को गुरुवार तक के लिए SFIO के रिमांड पर सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक शंकरन ने बेईमानी की नियत से उन कंपनियों को कर्ज बांटे जो भरोसे के लायक नहीं थी या जिनके कर्ज को फंसे कर्ज घोषित कर दिया गया था। इससे कंपनी और उसके कर्जदाताओं को भारी नुकसान हुआ। IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने डेट इंस्ट्रूमेंट्स और बैंक लोन के जरिए 17,000 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज लिया। प्रोविडेंट फंडों, पेंशन फंडों, ग्रेच्युटी फंडों, म्यूचुअल फंडों, सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट में भारी निवेश किया है।